कोई भी कंट्री या स्टेट कितना फ्री है उसको जांचने के लिए उस स्टेट या कंट्री में ऑपरेट कर रहे जर्नलिस्ट या मीडिया कितने आजाद है ये देखना चाहिए। मीडिया को किसी भी डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर माना जाता है और वो इसलिए क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर जुडिशरी, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट अपना काम अच्छे से ना कर पाए तो मीडिया को फ्रीडम हो कि वो उनके फ्लॉज को एक्सपोज कर सकें और सिटीजन्स को एक क्लियर पिक्चर मिल पाए। आज हमारे देश में फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। 2022 में 67 जर्नलिस्ट को मार दिया गया जो कि 2021 के नंबर से 50% ज्यादा है। ये एक बहुत अलार्मिंग नंबर है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया में 1.5 लाख के करीब रजिस्टर्ड पब्लिकेशंस हैं और इनमें से ऑन एन एवरेज अगर 7 का भी नंबर लें तो मीडिया पर्सन्स का नंबर करीब 10 लाख के आसपास निकलता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भी इंडिया की रैंक 180 कंट्रीज में से 161 है। हालांकि इंडिया इस लिस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी नीचे है जो इस लिस्ट की क्रेडिबिलिटी पर एक क्वेश्चन मार्क लगाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया में बहुत सारे जर्नलिस्ट को सिर्फ उनका काम करने के लिए थ्रेट्स मिलती है और उन्हें पावरफुल लोगों के द्वारा परेशान किया जाता है। मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन में रहकर तो बहुत फ्रीडम ऑफ प्रेस की बातें करती हैं बट पावर में आकर अथॉरिटेरियन बन जाती है। इसका एक एग्जांपल हाल ही में सामने आया जब वेस्ट बंगाल में इलीगल लिकर माफिया पर आर्टिकल लिखने के 2 दिन के अंदर ही एक एबीपी जर्नलिस्ट को सिविल केस में अरेस्ट कर लिया गया। वेस्ट बंगाल बेस्ड आनंद बाजार पत्रिका के जर्नलिस्ट देव माल्या बागची को उनके घर से 29 अगस्त को अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक देव माल्या को दलित महिला पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ये केस इतना सिंपल नहीं है। बागची पिछले कई दिनों से लगातार वेस्ट बंगाल के खड़गपुर में चल रही इलीगल लिकर प्रोडक्शन के बारे में लिख रहे थे। बागची ने 26 और 27 अगस्त को इलीगल लिकर माफिया के खिलाफ आर्टिकल छापा और 28 अगस्त को ही खड़गपुर की एक महिला ने बागची के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर करवा दी। बागची के अलावा आनंद बाजार पत्रिका ने बंगाल में जॉब रिक्रूटमेंट स्कैम और ममता बनर्जी के नेफ्यू के करप्शन केसेस के बारे में भी रिपोर्टिंग की है और बंगाल के ऑपोजिशन पार्टीज अलेज कर रही हैं कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट आनंद बाजार पत्रिका को बागची के अरेस्ट से थ्रेटन कर रही है। वैसे वेस्ट बंगाल में ये बात नई नहीं है कि आए दिन जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया जा रहा है। ऐसा कई बार हो चुका है, जैसे साल 2022 में कोलकाता पुलिस ने एक बंगाली न्यूज पोर्टल के जर्नलिस्ट मानव गुहा को प्रोवोकेटिव कंटेंट शेयर करने के जुर्म में अरेस्ट किया था। दरअसल गुहा ने पेज पर 9 अक्टूबर 2022 को कोलकाता के एकबलपुर इलाके में दो कम्युनिटीज के बीच झड़प का प्रोवोकेटिव वीडियो शेयर किया था। पुलिस ने मानव गुहा के अगेंस्ट सेक्शन 120B, 153A, 295A, 500, 504, 505 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इसके अलावा 3 जनवरी 2023 में नवद्वीप म्युनिसिपैलिटी के एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के कहने पर नादिया डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने 8 न्यूज रिपोर्टर्स को अरेस्ट किया था। इन 8 जर्नलिस्ट का कहना था कि पुलिस ने उन्हें इसलिए अरेस्ट किया है क्योंकि उन्होंने उस एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के खिलाफ 3,000 रुपए इलीगल कट मनी लेने की खबर छापी थी। पुलिस ने इन 8 जर्नलिस्ट पर सेक्शन 506, सेक्शन 186, सेक्शन 120B का चार्ज लगाया था। पुलिस का यह भी कहना था कि इन 8 रिपोर्टर्स ने नवद्वीप म्युनिसिपैलिटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पर झूठा आरोप लगाया है। ऐसे भी ओकेशंस रहे हैं जहां मीडिया से मिस्टेक्स हुई है जिसकी वजह से पुलिस ने प्रेस पर एक्शन लिया है। जनवरी 2023 में मल्टीपल न्यूज आउटलेट्स ने एक खबर छापी कि 2 जनवरी को वेस्ट बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट में हावड़ा न्यू जयपलगुड़ी सेमी हाई स्पीड ट्रेन पर स्टोन पेल्टिंग हुई है। इसके बाद 3 जनवरी को भी ऐसा ही एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ, लेकिन बाद में जब ईस्टर्न रेलवे ने पेल्टेड ट्रेन की वीडियो को स्कैन किया था तब पता चला कि 3 जनवरी वाला इंसिडेंट बिहार के किशनगढ़ का था। इसके बाद वेस्ट बंगाल का नाम खराब करने का हवाला देते हुए सीएम ममता बनर्जी ने 10 जर्नलिस्ट पर लीगल एक्शन लेने को कहा, जिसके बाद पुलिस ने इन 10 जर्नलिस्ट पर, जिनके नाम ये रहे, अंडर दीज सेक्शंस केस रजिस्टर किया। इंटरेस्टिंगली ये इंसिडेंट्स उसी स्टेट में हो रहे हैं जिस स्टेट और रूलिंग पार्टी की एमपी महुआ मोइत्रा की फ्रीडम ऑफ स्पीच पर पार्लियामेंट में दी गई स्पीचेस जमकर वायरल होती है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फ्रीडम ऑफ प्रेस को सपोर्ट करती है? हमें कमेंट्स में बताइए और इंडिया के बर्निंग इश्यूज को क्लियरली समझने के लिए क्लैरिटी कास्ट को सब्सक्राइब करें।